नो काटिंग काटिंग क्या हो रहा है हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड आज मैं चैलेंज लेकर नहीं आया, रीज़न ये है कि डोरा की तबीयत एकदम ही पता नहीं क्या हो गया, ख़राब होगी। चैलेंज मैंने दिन में स्टार्ट कर दिया था लेकिन एक डेढ़ घंटे बाद ही उसको वॉमिट पे वॉमिट, तो वहीं अपना मेरा भी बड़ा मूड ख़राब हो गया था। लेकिन जब मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी, डरा दिया था उसने मेरे को दिन में, और बाकी अब ठीक है। उसको मैंने कच्ची लस्सी वगैरह पिलाई तो अब उसके बाद जाके वो ठीक हुई है। दूसरा रीज़न ये भी फिर मैंने ड्रॉप करा, शायद मैं रेगुलर चैलेंजेस नहीं करूँगा, टाइम मैं कम दे रहा हूँ डोरा को, क्योंकि उसकी मैं दिन में ट्रेनिंग कराता हूँ और ना उसको उसकी ट्रेनिंग करा पा रहा हूँ, क्योंकि चार दिन बैक टू बैक मैंने करे, चार पाँच दिन का दिन लग जाता है फ्रेंड, सुबह से ले कर रात तक अपना चैलेंज में। बीच बीच में मैं ब्रेक ले लेकर अपना एक एक दो दो दिन के गैप में चैलेंजेस करूँगा। और चलो फ्रेंड अपना मैं आपको डोरा उससे मिलवाता हूँ, मैं उसको वॉक पे लेके जा रहा हूँ। तो अभी मैंने उसको डिनर करवाया है, अपना खाना दिया है उसको, मैं कहा चलिए थोड़ा सा वॉक पे जाएगी थोड़ा ठीक होगा, और मैं आपको डोरा की एक फ्रेंड से भी मिलवाऊंगा। तो फ्रेंड मैं ले आया डोरा को, मैं डोरा को देखो रात को लेकर आता हूँ, बिल्कुल खाली हुआ होता है यहाँ पे। रात को लाने का रीज़न एक तो पता है लॉकडाउन है उस चक्कर में भी, और ऊपर से बिल्कुल खाली मिलता है। रात को मैं इसको खोल देता हूँ और इधर उधर घूमती है भागती है, अभी इसको अभी खोला नहीं है। अभी फ्रेंड है आपको मिलवाऊंगा, उसका नाम एली है फ्रेंड। ये लो एली आ गई, अभी मैं एली की बात कर रहा था, आपको दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड, अब ये पूरी मस्ती करेंगे एक दूसरे पर कूद कूद के। इसको हार्नेस खोल देता ना, फ्री कर देता इसको, और क्या मैं भी कैद कराऊंगा सारी को। ये भी बहुत एक्टिव है, ये भागेगी इधर उधर। वो देखो डोरा आ जा ये। तो फ्रेंड एली को एक्चुअली ना पार्वो हो गया था, और पार्वो बहुत गंदी बीमारी है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी है। लोग कहते हैं कि पार्वो अगर डॉग को हो जाए, पपीज को हो जाए तो वो बचते नहीं है, लेकिन एली बच गई है। एली बच गई सात दिन के अंदर बहुत वीक हो गई थी, बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल फ्रेंड बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और चल भी नहीं पा रही थी, मतलब उसके पूरी बोन्स वगैरह भी दिख रही थी ना, बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। मिलाता हूँ आपको, देखो आप एली को मतलब काफी एक्टिव हो गई है और अब ठीक है, उसको कोई वायरस नहीं है। अब अपना डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ पूरी ओके रिपोर्ट दे दी है डॉक्टर ने, बिल्कुल ओके रिपोर्ट दे दी है। एली कम फ्रेंड, ये देखो मिलो एली से, ये भी फीमेल है। हाँ तो अभी ये ओके है ना, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज्यादा ही वीक हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे पूरा डोरा के आसपास भाग रही है, उसके साथ साथ भाग रही है, पूरी एनर्जी में आ गई है। बहुत एनर्जी, देखो रन भी करेंगे दोनों, आ जाओ डोरा कम, एली कम, डोरा कम, क्या हुआ, गिर गई थोड़ी, उसने जंप हमारी साथ में गिर गई थोड़ी, सहम गई एली। वेट एली कम आ जा, डोरा भागती इतनी तेज है, उसकी ब्रेक के सारी फेल होती है, डिस्क ब्रेक उसकी खराब है, वो भागते हुए बिल्कुल सोचती भी नहीं है कि आगे कोई आ रहा है, कोई आ जाए, अगर बीच में कोई आ गया धाड़। तो हाँ, तो गोलू ने मेरे को बताया कि एली की जब तक वो बीमार थी ना फ्रेंड, उसने कुछ कितना टाइम नहीं खाया था, उसने तकरीबन 7 से 8 दिन ना पानी ना कुछ खाना, डॉग फूड वगैरह कुछ, मतलब कि देखो अगर डॉग को अगर पार्वो हो जाए, उसको ना आप खाने के लिए दे सकते हो ना पीने के लिए दे सकते हो, मतलब जो उसकी टेबलेट्स और इंजेक्शन में ही वो जिंदा थी, वो जिंदा है,
और अगर पानी दिया तो जितना ट्रीटमेंट किया सारा फेल, दोबारा फिर से रनिंग। उसको क्या ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहे थे क्या? ग्लूकोज बस इतना चलता था, सिर्फ इतना सा ग्लूकोज, मतलब जरा सा ग्लूकोज उसको रोज का रोज मिलता था, रोज जरा सा ग्लूकोज मिलना उसको, और बाकी ये ये ऑडियंस आ गई, ये रात के गुंडे आ गए, ठीक है। तो बस यही है कि पहले इंजेक्शनों में ही वो जिंदा थी पूरा। फ्रेंड ये देखो, चेक करो, आज से 2 महीने पहले ये चल भी नहीं पाती थी, मतलब कि 2 से 3 महीने पहले चल भी नहीं पाती थी वो, आप देखो इसमें एनर्जी। सो फ्रेंड मिलो, ये है डोरा की फ्रेंड। डोरा इसके साथ बहुत प्ले करती है, स्ट्रीट डॉग है फ्रेंड, और बहुत प्यारी है। मैंने इसका नाम मंजली रखा है फ्रेंड। बताओ कैसा नाम है मंजली? फ्रेंड हम जा रहे हैं हम कमेंट पढ़ने के लिए। फर्स्ट कमेंट, विशाल कुमार, लव यू सर, यू आर सो फनी एंड लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। थैंक यू वेरी मच, लव फ्रॉम दिल्ली। पूनम सिंघाल, नागी सर का फेवरेट डायलॉग, बदतमीज वाला इंसान। यस एक्चुअली हम शोज पे जाते हैं ना, तो अपना आपके जो हरप्रीत एसजीसी है मेरे ब्रदर, तो काफी बार निकलता है ये मुंह से बदतमीज जानवर वाला इंसान, तो भैया ये मुंह पे चढ़ गया अब सबके, पूरी फैमिली के सारे बदतमीज जानवर वाला इंसान है। नेक्स्ट कमेंट ऑसम का कमेंट है, प्रगुन व्हाट्स योर एज? आई एम 12। ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत लोग कमेंट करते हैं प्रगुन की एज क्या है, और प्रगुन 8 ईयर की है। और जैसे कि मैंने पिछले कमेंट में कमेंट पढ़ा था, प्रगुन इज सो क्यूट, ओ भाई साहब, इस कमेंट इस चैनल चैलेंज में यही कमेंट आई जा रहे हैं, सारे सबने ये कमेंट कर दिया, प्रगुन इज वेरी क्यूट, प्रगुन इज वेरी क्यूट, हद हो गई, एनी भी क्यूट नहीं है। कमेंट भी मैं छाई हुई हूं। चलो ओके नेक्स्ट, द क्यूट गोल्डन ब्रॉडी, वी आर ग्रेटफुल टू सी योर ब्लॉग्स वीडियोज, टाइसन, डोरा, बेला, टॉम एंड जेरी आर वेरी क्यूट, जेरी नहीं है जेरी है, टॉम एंड जेरी। यू ऑल आर हार्ड वर्किंग एंड गुनीत एंड प्रकुन इज वेरी नाइस सिस्टर्स, थैंक यू। एक और ओके, वन लास्ट है, लास्ट, इंदिरा चौधरी, आर यू प्रभगुन्स डैड एंड हरप्रीत सर रियल ब्रदर? यस हम रियल ब्रदर हैं, 3 ब्रदर्स हैं और 1 सिस्टर है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड मॉर्निंग पता नहीं कैसी गंदी सी हुई है, उठाऊँ तो देखा डोरा ने दोबारा वॉमिट करी हुई है। मैंने कहा ठीक होगी, रात को तो ठीक लग रही थी, वैसे एक्टिव है वो, उसको वैसे बीमार नहीं है, लेकिन वॉमिट कर रही है, पता नहीं उसके गले में कुछ फंसा है या क्या है। तो अभी मैंने उसको दही वगैरह दिया मैंने, अगर अब दोबारा उसने करा तो मैं उसको लेके जाऊंगा, क्योंकि वैसे तो वो ठीक है अभी। और अभी मैं टॉम एंड जेरी का घर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जब केज बनाया था, बड़ा करा था हमने वो चैलेंज के लिए, तब से उनका बेचारों का केज ही नहीं मैंने बनाया, टाइम ही नहीं मिला। अब मैं उनका टॉम एंड जेरी का जैसे पहले था दोबारा उनको वैसे क्रिएट करके दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जहाँ रखा हुआ उनको छोटी सी जगह में रखा हुआ, मैंने छोटे केज में रखा हुआ। तो चलो फ्रेंड मैं उनका केज बनाता हूँ, वो केज बनाने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स है आपस में जोड़ के बनता है। एंड टॉम एंड जेरी का केज भी मैंने रेडी कर लिया, ये पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अलग बन गया, इसमें पता नहीं क्या अलग बना, समझ में नहीं आ रहा, बाकी वैसा सही है, थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है, वीडियो देख के पता चलेगा, बाकी इसमें भी दिक्कत नहीं, कम्फर्टेबल है बिल्कुल वैसे ही है, और फुल एंजॉय कर रहे हैं अपने केज में आने के बाद। ये चल रही है पार्टी, ये बहुत मजे करते हैं अपने केज में। सो फ्रेंड चलो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, तो देखता हूँ अभी डोरा को अपना ठीक रहे, अपना अगर वॉमिट करती है तो मैं उसको वेट के बाद लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ डोरा। डोरा हाँ क्यों है पुत्र, हाँ क्यों है, क्यों है पुत्र, बाज नहीं आती ना, हैं हैं, टॉम एंड जेरी का खाना चक उठा के लाइए ना, टॉम एंड जेरी का खाना उठा के लाइए ना, तू भी तो बाज नहीं आती है। चलो बाय करते सबको, बाय एवरीवन, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।